आधी तस्वीर या वीडियो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस तरह की ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, इसलिए सड़क पर पड़ा है, ऐसे हालत नहीं बने। पहली लहर से हम लोगों ने सीखा था, बड़े पैमाने पे इंतजाम। यूथ है भिवंडी के, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, एजुकेशन का मुद्दा है, हमारे पास रोजगार का मुद्दा है, तो हम ज्यादा लीडर बचे नहीं है, सब डीलर हो चुके हैं, तो लीडर की जरूरत है। ऑपरेशन नहीं, भिवंडी करप्शन सेंटर बन चुका है, भिवंडी में चेंज लेके आएंगे। जो दसवीं फेल है, जो पांचवी फेल है, ऐसे ऐसे लोग जो नगर पालिका चला रहे हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर कामगार नवाब मलिक के कुर्ला में निवास स्थान पर कोरोना नियमों का पालन कर युवक हुए शामिल। सैकड़ों युवकों ने कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। प्रवेश कार्यक्रम में इमाम अंसारी, आसिफ खान, तनवीर फारूकी, इरफान आजमी, समीर कुरैशी, जावेद अंसारी उपस्थित थे। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप और हालात के बारे में बातचीत की। क्या कुछ कहा गया, देखिए इस विशेष खबर। वो जिस तरह से सरकार के ट्रेजरी में टैक्स की कमी आई है, सरकार हेल्थ डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हो, ये सभी डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देके उन्हें, या मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उन्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहती। और कोविड से मुकाबला करने में हमें बड़े हद तक कामयाबी मिली। भिवंडी में भले आंकड़े कम होंगे, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 70,000 के करीब एक वक्त कोविड के केसेस आ रहे थे। जिस तरह का इंतजाम महाराष्ट्र की हुकूमत ने किया, कोई भी ऐसा एक भी मरीज नहीं था कि जो ये कहता कि हमें इलाज करने का कोई कमी रही। मुफ्त में सारे इलाज के इंतजाम किए गए, महानगर पालिका के अस्पताल हों, सरकारी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हों, मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हों, या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए, ट्रिपल सी टू के अस्पताल बनाए गए। और पूरे मुल्क में जब दूसरी लहर आई, लोगों ने देखा कि पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के लोग भटकते नजर आए, लेकिन एक भी तस्वीर या वीडियो महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत है, इस तरह की नहीं है। साथ ही साथ कोई पेशेंट बेड नहीं मिल रहा है, इसलिए सड़क पर पड़ा है, ऐसे हालात नहीं बने। पहली लहर से हम लोगों ने सीखा था, बड़े पैमाने पे इंतजाम किए, जिसकी वजह से ये किल्लत महाराष्ट्र में या परेशानी लोगों को कम हुई। हम बड़े पैमाने पे टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिटेक्ट किया जाए, आगे कोविड ना फैले उसका इंतजाम किया जाए। और जहाँ तक तीसरी लहर का सवाल है, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन 1200 मेट्रिक टन ये महाराष्ट्र में जनरेट होती है, 300 मेट्रिक टन हमें अलग स्टेटों से लाना पड़ता था, लेकिन हर ज़िले में, हर तहसील में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का फैसला हुआ, जो लग रहे हैं। बड़े पैमाने पे लिक्विड ऑक्सीजन के टैंक लगाए गए और महाराष्ट्र सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि 3000 मेट्रिक टन महाराष्ट्र में एडिशनल ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे, ताकि तीसरी लहर से हम लोग निपट पाएँ। हमें लगता है कि कोविड के नंबर कम हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों ने ताउन किया है, लोगों ने सरकारी जो भी फरमान निकाले गए उस पर अमल किया, जिससे आंकड़े कम हो रहे हैं। और जैसे जैसे आंकड़े कम होंगे, तो मिशन युवक कांग्रेस के हमारे सदर आसिफ खान साहब की मौजूदगी में भिवंडी के सरकर्दा, जो सामाजिक कामों में बहुत बढ़ के आगे रहते हैं, इमाम अंसारी साहब ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार करने का काम किया है। उनके साथ कई नौजवानों ने पार्टी ज्वाइन की है, आसिफ खान हो, इमाम अंसारी साहब हो, उनके साथ में पार्टी में जो लोग आज शामिल हुए हैं, हमें लगता है इनके ज़रिए भिवंडी शहर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि पार्टी के फरोग के लिए अच्छा काम करेंगे, और साथ ही साथ पार्टी के जरिए जो भिवंडी के मसाइल हैं, उनको दूर करने के लिए वो मेहनत करेंगे और लोगों के बढ़ चढ़ के मदद करके लोगों के मसाइल हल करेंगे। हमें उम्मीद है कि ऐसे नौजवानों को पार्टी में शामिल करने से पार्टी की ताकत बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हुए, देखा जाए तो भिवंडी शहर में आप सभी राजनीतिक दल के जो लोग थे, अच्छा एक मतलब आपका संबंध था, आपने राष्ट्रवादी क्यों ज्वाइन किया? कई वर्षों से मैं पिछले कम से कम 5 से 6 सालों से सोशल वर्किंग करता आया हूं,
भिवंडी के लिए, अलग अलग मसाइल के लिए हमने बहुत से आवाज़ उठाए उसके लिए, और एक प्लेटफॉर्म की देखा जा रहा था बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कहीं ना कहीं हम जा रहे थे तो कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सुनवाई कम हो रही थी, तो देखते देखते नवाब मलिक साहब के साथ मेरा कम से कम 1 से 1.5 साल से इनके साथ में मैं काम विम कर रहा हूँ, जो भी इनको देख रहा हूँ। तो एक ये हुआ कि एक मलिक साहब के थ्रू हम लोग ये राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुए, और साथ ही साथ हमारे आसिफ खान साहब ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हमारी मदद की कि यूथ को आगे बढ़ाने के लिए। आज जितने भी यूथ है भिवंडी के, कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारे पास एजुकेशन का मुद्दा है, हमारे पास रोज़गार का मुद्दा है, तो हम ज़्यादातर रोज़गार, एजुकेशन और ये सारे मुद्दे पे हम लोग काम इंशाल्लाह करेंगे। जिस तरीके से भिवंडी में बेरोज़गारी चल रही है, बेरोज़गारी का भी इंशाल्लाह है। राष्ट्रवादी वैसे तो 12 सालों से मैं खिदमत कर ही रहा हूँ, मगर ये राष्ट्रवादी के थ्रू और ज़्यादा मैं खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। आज आपने प्रवेश किया है तो किस पद के साथ में आपने प्रवेश किया राष्ट्रवादी पार्टी? मैं अभी तो प्रवेश किया हूँ, अभी आसिफ भाई से तो बात चल रही है कि कुछ सलाहकार, एक एडवाइजरी और स्पोक पर्सन यूथ NCP के लिए, तो अभी देखा जाएगा क्या है क्या नहीं, वो शाम में हम लोग बात करके जो भी रहेगा डिसाइड करेंगे। और साथ में सभी भाई हैं हमारे, सब डीलर हो चुके हैं, पापा भाई हैं, भिवंडी को लीडर की ज़रूरत है। जितना करप्शन चल रहा है, भिवंडी कॉरपोरेशन नहीं, भिवंडी करप्शन सेंटर बन चुका है, और हर अधिकारी कहीं ना कहीं ऊपर की नीचे की कमाई के लिए हैरान परेशान है। तो हम लोग ये सारी चीज़ बंद कराएंगे इंशाल्लाह, भिवंडी में चेंज लेके आएंगे। जिस तरीके से 27 साल 25 साल से लोग बैठे हैं, आज उनका टाइम ख़त्म हो रहा है तो उनके बेटे लोग बैठेंगे, और वो मतलब जो 10वीं फेल है, जो 5वीं फेल है, ऐसे ऐसे लोग जो नगर पालिका चला रहे हैं, तो ऐसे लोग का खात्मा करने के लिए हम लोग निकले हैं इंशाल्लाह। ये आप देखोगे अगले जो नगर सेवक का इलेक्शन आ रहा है, महानगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है 2022 में, इसके अंदर यूथ की ताकत, यूथ ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसके अंदर हिस्सा लेगा, और इंशाल्लाह आप सभी के सामने रिजल्ट होएगा, क्योंकि NCP एक ऐसी वाहिद पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सबको ले कर चलती है। तो ये ना तो हिंदू की राजनीति करती है, ना मुसलमान की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए काम करती है, और समाज को देखते हुए ग्रुप को सपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, लोगों को सपोर्ट करना चाहूँगा। जिस लोगों का जो मेरे पास अभी आज भी माशाल्लाह या कल भी मेरे पास जो भी लोगों की खिदमत करने का मुझे मौका मिलता है, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, चाहे वो पुलिस चौकी से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉरपोरेशन से रिलेटेड हो, कोई भी मसला रहता है इंशाल्लाह मैं बढ़ चढ़ के मदद करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है तो कमज़ोर मत समझ। बहुत खुशी की बात है कि हमारे वरिष्ठ नेता माननीय नामदार नवाब मलिक साहब के हाथों यहाँ पे युवक के टीम में इमाम अंसारी और उनके साथ जो कुछ लोग हैं पार्टी में प्रवेश किए, और इंशाल्लाह इस चीज़ की गवाही देती है कि आने वाले वक्त में NCP यूथ का जो है